चिल्ड्रेन, वेलकम इन मैथ क्लास। मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड की मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हम पिछले क्लास यानी सेकंड क्लास में क्या पढ़े थे उस पे एक नजर डालते हैं। पिछले क्लास में हमने नंबर को फिगर में बदलना सीखा था। जैसे नंबर को या किसी भी नंबर को, सपोज दैट हमारा 123 को अब हमको वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये आपका नंबर हमारा चेंज हो गया वर्ड में, और ऊपर वाला हमारा वर्ड जो था वो चेंज हो गया फिगर में। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर, जो कि छोटे से बड़े करना। राइटिंग असेंडिंग ऑर्डर मतलब किसी भी सब अंकों को छोटे से बड़े क्रम में लाने को। जैसे सपोज दैट अगर मेरा यहाँ अंक 33, 42, 51, 16 हो, तो इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में इसे चेंज करना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे अंक से शुरुआत करेंगे 16। अब उसके बाद देखेंगे कौन सा इससे बड़ा है, तो हमारा 42 है, फिर हम 42 राइट करेंगे, फिर हमारा 51 है, हम फिर 51 राइट करेंगे, और फिर हमारा 63 है। नेक्स्ट बच्चे आपको याद होगा कि हमने उसमें पैटर्न भी पढ़े थे। जैसे पैटर्न जैसे यहाँ पे 2 राइट है, 4 है, 6 है और 10 है। यहाँ हम इसे फिलअप करना है, आगे हमारा कैसे चलेगा, तो हर एक दो नंबर के बीच में एक नंबर का गैपिंग है। 2 के बाद 3 गैप है, 4, 5 गैप है, 6, 7 गैप, सॉरी बच्चों यहाँ 8 होना चाहिए, 8, 9 गैप है, यहाँ 10 टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे 1 गैप कर, 11 गैप कर, 12 लिखेंगे, 13 गैप कर 14 लिखेंगे, और 15 गैप कर यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। तो ये हमने पिछले में पढ़ा था। और कुछ बच्चों याद कीजिए, हमने ऐड भी किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई भी किया था और डिवीजन भी साथ में किया था। तो ये सब पिछले ही क्लास में आप लोग को अच्छे तरह से पढ़ा दिया गया है, तो आप ये सारी चीज इस रिवीजन फर्स्ट चैप्टर रिवीजन बुक में दिया हुआ है, जिसमें आपको आसानी से करने को मिलेगा। अब हम बुक की तरफ देखते हैं। ये हमारा क्लास थर्ड का बुक टारगेटिंग मैथमेटिक्स बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर आपका रिवीजन है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था। देखिए, नंबर इन वर्ड, नंबर इन फिगर, पैटर्न, आंसर द फॉलोइंग या एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे बड़े रूप में करना, ये छोटा रूप है, इसे बड़े रूप में करना है। जैसे 825 है, तो यहाँ 825 राइट करके इसे और अंक को फिलअप भी करेंगे। ये आपका बुक देख लीजिए बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म था वो यहाँ राइट किया हुआ है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है बच्चों। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, जबकि मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि 3 अंक की डिजिट 999, 3 अंक की डिजिट 999 यानी 999 होगी।
इसी तरह और आगे क्वेश्चन पढ़ते हुए इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है ये इस फिल इन द ब्लैंक्स में राइट, देखिए इसमें सिंबल भरना है आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस देन में जैसे ये 60 है, यहाँ बॉक्स है आपका, यहाँ 18 है, इसमें लेस देन और ग्रेटर देन फिलअप करना है। कौन सा बड़ा है, उधर लेस देन और यहाँ छोटा है, उधर ग्रेटर देन। तो ये हमारा 18 बड़ा है तो ये हमारा ग्रेटर देन फिल होगा। इसी तरह आप अपने इस बुक में आगे के क्वेश्चन को देखते हुए लेस देन और ग्रेटर देन को फिलअप कीजिएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है जो कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया है, और ये एडिशन है। यहाँ तक 9 एंड एट द फॉलोइंग, यहाँ तक आप आज के लिए कंप्लीट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको बताने की कोशिश करूंगी, और यदि आपको इन क्वेश्चन में से कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली इस वीडियो में मेरा दिया गया नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमसे इस सवाल को पूछ करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।